हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साया मिश्रा में। गाइस, आज हम दो रेसिपी एक साथ लाए हैं, ठीक है। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल के लड्डू, देखते रहिएगा। लास्ट में इसी से एक और मिठाई बनाना बताएंगे, तो आप देखते रहिएगा। ये देखिए गाइस, हमने अपनी फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे घी। ये देखिए, ये हमारा 3 स्पून घी है, ठीक है। आप थोड़ा अगर चाहें तो थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, हम कम नहीं कर रहे हैं। पूरा का पूरा 3 स्पून डाल रहे हैं, तो इसको मेल्ट होने देते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा घी भून चुका है। अब इसमें अपना नारियल ऐड करेंगे और फ्लेम को धीमा ही रखेंगे और धीमे धीमे इसे भून लेंगे, ठीक है। ये देखिए, एक कटोरी डाल दिया, ये दूसरी कटोरी, ये दोनों कटोरी डाल दिया। देखिए, हम चाहें तो वजन बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम वजन, लेकिन सबके घर में वजन करने का नहीं होता है, तो इसलिए हमने कटोरी से माप कर बताया है आपको, जिससे कि वजन करने में कोई समस्या ही ना रहे, ठीक है। तो इसको हम हल्का भून लेंगे बिल्कुल, और धीमी फ्लेम पर भूनेंगे, जिससे कि हमारा बिल्कुल जले भी नहीं और अच्छे से भूनेंगे। देखिए गाइस, ये हमारा डेसिकेटेड नारियल है। आप चाहें तो नॉर्मल नारियल कद्दूकस करके महीन ग्रेटर से ग्रेट कर लें और उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं नारियल के लड्डू बनाने में, ठीक है। तो भूनते हैं धीरे। ये देखिएगा, हल्की हल्की सी स्मेल आने लगी है, बहुत अच्छी लग रही है, खुशबू आने लगी है। तो इसमें और इंग्रेडिएंट मिलाएंगे, जैसे कि हम अपनी इलायची, देखिए हमने दानेदार डाली है, बस दाने ऐसे लेने हैं, ऐसे कर देना है, जिससे कि एक एक दाना आपस से जो जुड़ा होता है ना, वो छूट जाए आपस में, ठीक है। और अब इसमें हम दूध पाउडर, देखिए 1/2 कटोरी दूध पाउडर ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे इसमें मिलाते हुए। देखिए, दूध पाउडर डालना कोई जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट हल्का सा मावा का टेस्ट आए, इस वजह से हमने इसे ऐड किया, ठीक है। ये देखिए गाइस, लगभग हमें 6 मिनट हो चुका है। 5 मिनट हमने नारियल भूना धीमी फ्लेम पर और 1 मिनट हमने दूध पाउडर भून लिया है, ठीक है। तो 6 मिनट हो चुका है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना मिल्क, पहले 1 कटोरी, ये देखिए धीरे धीरे ऐड करेंगे, ठीक है। और कटोरी मिल्क और ऐड करेंगे, मतलब 1.5 कटोरी, हमने 1.5 कटोरी मिल्क ऐड किया है। अब इसको हम पकाएंगे, ठीक है, अच्छे से। तो इतनी देर तक पकाना है कि जब तक ये दूध है नारियल सारा अब्जॉर्ब ना कर ले, सारा सोख ले अंदर के लिए, उतनी देर तक हमें इसे पकाना है। तो इसको अब हमें पकाना है, और देखिए ये हल्का हल्का सोख करने लगा है, तो और पका लेते थोड़ी देर। ये देखिए गाइस, सारा दूध सोख कर लिया है इसने नारियल ने, और अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी। देखिए, शुगर आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम ज्यादा कर सकते हैं, बट मीठा थोड़ा अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है मीठा, तो थोड़ा सा हमने कर लिया है, ठीक है। तो इसको अब हम मिलाएंगे और धीमा फ्लेम को धीमी रखेंगे, क्योंकि अब चीनी हमारी पिघलेगी, तो वो इसमें पानी छोड़ेगी, ठीक है। तो इसको धीरे धीमी आंच पर पकाते हैं। देखिए गाइस, इस टाइम पर थोड़ी सी फ्लेम हमने कर ली है हाई, बिल्कुल हाई भी नहीं, हाई से थोड़ा सा लो और बिल्कुल लो से थोड़ा सा हाई, ठीक है। बीच की फ्लेम करी है हमने, क्योंकि इसमें पानी है ना, चीनी जो हमने डाली है तो वो पानी छोड़ेगी, तो उसको सुखाने के लिए थोड़ा सा तेज करना जरूरी है, ठीक है। इसको हम पका लेंगे बिल्कुल डो फॉर्म में, जब तक पकाएंगे तब तक ये डो फॉर्म में आ ना जाए। देखिए, अभी पैन नहीं छोड़ रहा है हमारा नारियल, तो इसको तब तक पकाना है जब तक ये अपना पैन ना छोड़ दे, ठीक है। देखते रहिएगा बिल्कुल भी, इसी मिठाई से, इसी बैटर से हम एक और एक मिठाई बनाना आपको बताएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है, ठीक है। तो इसको हम बना लेंगे। देखिए गाइस, जो लगभग 1 साल होने लगा है, इसमें अब हम 1 स्पून घी और ऐड करेंगे, और आप अगर नहीं चाहते तो मत ऐड करिए, मगर हम ऐड कर रहे हैं। और अगर आप शुरू में भी, हमने 3 स्पून डाला था घी, आप अगर कम चाहते हैं तो आप 1 स्पून भी, 2 स्पून भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसकी फ्लेम को बिल्कुल धीमा करेंगे, क्योंकि हमें अब इसमें 1 स्पून घी ऐड करना है। ये देखिए, बस 1 स्पून घी,
एक स्पून हमने घी ऐड किया है इसमें, ज्यादा नहीं हम ऐड करेंगे बिल्कुल भी, जिससे कि डो जो है वो पूरी तरह से छोड़ दे। ठीक है, वैसे तो उसने छोड़ दिया है मगर फिर भी थोड़ा सा और छोड़ दे। ठीक है, पकाते हैं इसको फिर से। और ये देखिए गाइस, ये देखिए हमारा लगभग डो बन चुका है। ये देखिए आपस में जो डो जुड़ने लगा है। ठीक है, अब इसकी फ्लेम को हम बंद करेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। गाइस पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम इसकी थोड़ी सी ट्रिक एंड ट्रिक्स बताएंगे, जैसा कि हर वीडियो में बताते हैं आपको, तो वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, देखिए हमने अपनी फ्लेम बंद कर दी है क्योंकि अभी ये ठंडा, अभी ये हल्का सा वैसा लग रहा है। ठीक है, अभी ये ठंडा होगा बट देखिए इसको चलाते जरूर रहिएगा वरना नीचे लग सकता है। ठीक है, क्योंकि कढ़ाई गर्म होती है ना हमारी, इसीलिए। तो इसको अब इसी कढ़ाई में हम ऐसे फैला के ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद फिर मिलते हैं आके। और एक बात चलिए वो लास्ट में हम आपको बताएंगे। तो इसको ऐसे फैला के हम ठंडा करते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस बिल्कुल पूरा ठंडा हो चुका है, इसको इतना ठंडा हो गया कि हम हाथ से आराम से इसको टच कर रहे हैं, टच कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब इनके हम बनाते हैं लड्डू। ठीक है, और फिर दूसरी भी चीज बना के बताएंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसको थोड़ा सा हम घी लगाएंगे। ये देखिए गाइस घी लगा लिया। तो अब अपना बैटर लेंगे थोड़ा सा, और कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करके हम बढ़िया से लड्डू बना लेंगे। चाहे तो ऐसे ऐसे कर ले, देखिएगा। ये देखिए कितना प्यारा और कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए आप चाहे शुगर से, शुगर जो पीसी हुई शुगर होती है उससे कोट कर दें। और ये कुछ अभी हल्का सा गीला जैसा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फ्रिज में रखेंगे पूरा सेट हो जाएगा। तो ऐसे ही लड्डू बना लेते हैं। ये देखिए गाइस ये हमारा सूखा बुरादा है, तो इनको हम नारियल को इसी से डेकोरेट करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, ऐसे करके अच्छे से इसको अच्छे से लपेट देंगे इसमें। ठीक है, बाद में ऐसे ऐसे कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है लड्डू नारियल का हमारा, तो इसी तरह से सारे बना लेते हैं। ये देखिए गाइस हमने कोट कर दिया है, तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए लगभग फ्रिज में रखेंगे जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। तो रखते हैं फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस लड्डू तो बन गए हैं, अब बनाते हैं इनके पेड़े। तो पेड़ों के लिए थोड़ा सा बैटर को सूखा करना पड़ता है, आप चाहे नारियल डालकर सूखा कर लें और नहीं तो आप गैस पर चढ़ा के सूखा कर सकते हैं। हमने नारियल डाल के इसको सूखा कर दिया है। ठीक है, ये डेसिकेटेड नारियल है, इसी को डाल दिया, सूखा हो गया। और अब ये देखिए इस तरह से पेड़ा बना लिया और इसको इसी तरह से ऐसे कोट कर दिया। ये देखिए अच्छे से, और इस प्लेट में हम रखते जाएंगे। तो सारे बना लेते हैं, इसमें सूखा नारियल बस मिला दिया है जिसकी वजह से तो टाइट हो गया है। आप उस तरह से बैटर नहीं मिलाना चाहते, अगर सूखा नारियल तो आप बैटर को थोड़ा सा और आंच पर रखते हैं थोड़ा सा, तो जिससे वो थोड़ा और पक जाएगा तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और हमने इसको गाढ़ा नहीं किया है, सिर्फ सूखा डेसिकेटेड नारियल और इसमें ऐड कर दिया है, जो कि दिखाना हम भूल गए हैं उस वजह से, सॉरी गाइस। ये देखिए इस तरह से हो गया। तो ये हमारे पेड़े बनकर रेडी हैं। ठीक है, छोटे छोटे बना लेते हैं। ये देखिए गाइस हमारे नारियल के पेड़े भी बनकर रेडी है, तो इनको भी फ्रिज में रखते हैं फिर मिलते हैं। लगभग लगभग 15-20 मिनट बाद मिलते हैं आके। ये देखिए गाइस 15-20 मिनट हो गया, हमारे सब सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम इनको सर्व करते हैं। देखिए गाइस इस ट्रे में हम सर्व करेंगे इस तरह से। और सच मानिए आप 10 मिनट में इतनी अच्छी सी रेसिपी बना के खिलाएंगे ना जिसको, तो वो एकदम सच बता रहे हैं, खुश हो जाना है उसको, आपकी तारीफ ही करनी है उसको इतना। ये आप नवरात्र में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये नारियल से बना हुआ है, तो ये नवरात्र में भी आप भोग में बना सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। ये देखिए गाइस कितना प्यारा कितना यम्मी है कि देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो हम एक एक तोड़ के दिखाते हैं दोनों को। ये देखिए गाइस
हमने लड्डू लिया हुआ है, कितना ये देखिए, कोई भी खाए बड़ा आराम से, बहुत टेस्टी और बहुत जूसी, बहुत यम्मी। और इसको एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको दोबारा भी बना सकते हैं, ये देखिए। और ये पेड़ा देखिए आप, ये भी बहुत यम्मी और बहुत जूसी, बहुत डिलीशियस है। तो आज की हमारी ये रेसिपी, चलिए अब हम आपको देते हैं इसकी ट्रिक्स एंड टिक। देखिए जितने मटेरियल हमने आप इसमें लिया हुआ है, आप उसी हिसाब से बनाए तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। और एक चीज, अगर आपका बाय चांस जैसे दूध ज्यादा हो जाता है तो आप उसको थोड़ी देर पका लीजिए ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पकाइए। और जब डो के रूप में आ जाए तब उसका पेड़ा या लड्डू जो भी आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए, ठीक है। और मिल्क पाउडर भी स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चीनी थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। और अगर आपका थोड़ा सा लूज है और आप चढ़ाना नहीं चाहते हैं तो आप डेसिकेटेड नारियल भून के फिर से मिला लीजिए इसमें ऊपर से, तो वो भी बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो इसको तो बच्चे भी बना सकते हैं, इतना ईजी है इस ट्रिक से। तो आज की हमारी ये रेसिपी, इसको नवरात्र में भी खा सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज अगर इसमें आप स्किप करना चाहते हैं, चाहे वो दूध पाउडर हो या इलायची है, हमने जैसे इलायची इसमें दाने डाले हुए हैं, आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।